यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि 2024 में हमारे अलायंस इंडिया की जीत होगी। मेरठ पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज महंगाई बेरोजगारी पर बात नहीं होती। अखिलेश यादव ने कहा कि गठबंधन के नाम से बीजेपी घबरा गई है। कौन नहीं चाहता कि इंडिया जीते? सब चाहते हैं कि इंडिया जीते, केवल बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहता कि इंडिया जीते। 2014 में आए थे, 2024 में वापस जाएगी भाजपा। अखिलेश ने कहा कि आज मेरठ आते समय सड़क पर मुझे नई ट्रैफिक व्यवस्था दिखी है। एक झुंड बनाकर सांड बैठे थे जो बता रहे हैं कि स्पीड ज़्यादा तेज मत करो, अगर की तो जान चली जाएगी। अखिलेश ने बैंक कर्मचारी की सांड से टकराकर गई जान वाले हादसे को याद करते हुए कहा, मुझे हादसे का वो दिन आज भी याद है जब यहाँ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। जिस मुद्दे को प्रधानमंत्री ने उठाया वो आज तक खत्म नहीं हो पाया। जिन कांवड़ियों पर सीएम हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं उनकी जान चली गई तो क्या उनको 1 करोड़ रुपया नहीं मिलना चाहिए? कांवड़ियों की जान सरकार और बिजली विभाग की लापरवाही से गई। इनके परिवार को 1 करोड़ रुपए देना चाहिए, इसलिए देना चाहिए क्योंकि उन कांवड़ियों पर फूल बरसाते हो। आज उनके परिवार के सदस्य नहीं हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि अवार्ड आर्किटेक्ट को मिलता है। कहा कि आगरा का मुगल म्यूजियम इसलिए था क्योंकि वो ताजमहल से जुड़ा था, लेकिन उस म्यूजियम के अंदर जो संदेश था वो गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारे, मिलीजुली संस्कृति का था। फिर कहते हैं कि शिवाजी से उनका पुराना रिश्ता है, उनकी माताजी से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। कहा कि बीजेपी के लोग वो हैं जिन्हें काम नहीं करना है। ये भाजपा की रणनीति थी कि ऐसा जहर घोल दें कि लोग कुछ और सोचे ही नहीं। कहा वो म्यूजियम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए बन रहा था ताकि पर्यटक म्यूजियम के बहाने भारत की संस्कृति को जाने। जिस आर्किटेक्ट ने वो म्यूजियम डिज़ाइन किया था उसे यूरोप का 2023 का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। कहा कि मुख्यमंत्री गूगल से कुछ सर्च नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि 2024 में इंडिया गठबंधन बीजेपी का सफाया करने का काम करेगा। इंडिया में इंक्लूसिवनेस और डेवलपमेंट की बात है। इंडिया का आशय सबको साथ लेकर चलना है, भाईचारा मिलीजुली संस्कृति से है, तो भाजपा को किस बात की घबराहट है? जो गठबंधन भाजपा का सामना कर सकता है ये वो गठबंधन है। 2024 में एक ही मुद्दा रहेगा, भाजपा हटाओ इंडिया जिताओ। कहा कि हम यूसीसी के खिलाफ हैं। पीडीए, पीडीए क्या है? पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को कौन पूछ रहा है? कहा बीजेपी पीडीए इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। अखिलेश ने गन्ने के भुगतान, यमुना में पानी उफान, हिंडन में उफान का मुद्दा भी उछाला। कहा जो सरकार भरे पानी को नहीं निकाल पा रही है वो आगे क्या बढ़ाएगी? अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।